बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि दलितों का अहम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में साजिश के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रदर्शन आदि करके फिर जबरन जेल चला जाता है। तो ये ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, तो ये वो ट्वीट है जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया। उन्होंने कहा कि दलितों का आम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में साजिश के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रदर्शन आदि करके फिर जबरन जेल चला जाता है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन्होंने भीम आर्मी के जो चीफ चंद्रशेखर हैं उन्होंने साफ तौर पर उस पर निशाना साधा है, जैसे यूपी का रहने वाला है लेकिन सीएए एनआरसी पर ये यूपी की बजाय दिल्ली के जामा मस्जिद वाले प्रदर्शन में शामिल होकर जबरन अपनी गिरफ्तारी करवाता है क्योंकि यहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ये वो ट्वीट है जो एक के बाद एक बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से किए गए। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी के लोगों से यही अपील की है कि वो ऐसे सभी स्वार्थी तत्वों, संगठनों और पार्टियों से हमेशा सचेत रहे। वैसे ऐसे तत्वों को पार्टी कभी लेती नहीं, चाहे ये कितना प्रयास क्यों ना कर ले।